इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने किया, क्योंकि अभी तक हमने सारा काम किया ही पॉइंट चार्ज में था, और हमने देखा कि क्यू जो चार्ज है कितना वी लगाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। अब रिंग की अगर बात करते हैं तो लिख लें नॉट फॉर एनसीईआरटी, और फॉर्मूला रजिस्टर ओपन कर लें। फॉर्मूला रजिस्टर में इसका सिर्फ फॉर्मूला नोट करेंगे कि अगर ये एक रिंग है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके एक्स डिस्टेंस दूर एक्सिस के ऊपर मुझे वी निकालना है। रूल वही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर है, उसमें कॉम्पोनेंट बनते हैं, ये स्केलर है। तो एक स्मॉल एलिमेंट लें डी क्यू, डी क्यू स्मॉल पोटेंशियल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/dQ। टोटल वी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे चार्ज की, इंटीग्रेशन जीरो से क्यू आंसर। तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें वी, ये डायग्राम रिंग का, और वी का फॉर्मूला ये नोट करें, ये वी का फॉर्मूला है। और अगर ये पॉइंट सेंटर पे होगा तो एक्स क्या होगा, जीरो, एक्स जीरो होगा, तो ये वी का फॉर्मूला मैक्सिमम आएगा सेंटर पे। ये दो फॉर्मूले नोट करें डायग्राम के साथ, और डायग्राम वी का ऐसा बनता है एक्स के साथ, ये भी बना सकते हैं। ठीक है यहां तक? तो आपने फॉर्मूला याद करना है रिंग का, रिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कॉम्पिटिशन के अंदर आता है नॉर्मली। रिंग्स आपको दिखेंगी चार्ज रिंग, तो वी का फॉर्मूला वहां यूज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब हमने इसमें वी कैसे निकाला, इंटीग्रेशन से निकाला। मेथड नंबर टू एक और है, लेकिन ये हम करेंगे नहीं, सिर्फ बता रहा हूं मैं कि अगर ये रिंग का एक्सिस पे ई की वैल्यू अगर आपको पता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो ई हमें पता है, अगर हमें सिर्फ वैल्यू वैल्यू पता है और हम इंटीग्रेशन वो जो पार्ट्स लेके नहीं करना चाहते मेथड वन, तो एक काम कर सकते हैं, अगर E गिवन है और V निकालना है तो क्या लगाएंगे, E is equal to minus dV by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E की वैल्यू को यहां से यहां पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, आंसर सेम आएगा। मैंने इंटीग्रेशन की नहीं, क्योंकि मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीका है तो हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। तरीका बता रहा हूं कि अगर E का फॉर्मूला गिवन है मैथमेटिकली, वहां से V भी निकल सकता है अगर हमें इंटीग्रेशन आती है, नहीं तो वो मेथड तो ठीक ही है। और उसी तरीके से अगर आपको V का फॉर्मूला पता है और E निकालना है तो बहुत आसान है, E is minus dV by dx, V को यहां पुट करें, डिफरेंशिएट करें, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम। मतलब E के फॉर्मूले से V निकल सकता है, V के फॉर्मूले से E निकल सकता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हालांकि मेथड टू फॉलो नहीं कर रहे, मेथड वन से हमारा काम चल गया है, सफिशियंट है। अब क्वेश्चन रिंग पे ऐसा आता है कि अगर आपके पास दो चार्ज रिंग्स हैं Q1 Q2 और क्वेश्चन है कि इसके सेंटर से Q0 टेस्ट चार्ज को आपने B से A पे उठा के रख दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ कितना लगेगा। तो मुझे पता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q0 इज इक्वल टू पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहां से Q0 को मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाएगा, क्लियर है? तो अगर मैं आपको VA VB बता दूं आंसर आ जाएगा। तो VA की वैल्यू कौन लगाएगा यहां पर, यहां पर ए पोटेंशियल एक तो ये रिंग लगाएगी, रिंग के सेंटर पे वी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R1, ठीक है, और एक ये रिंग भी लगाएगी। अब इस रिंग के एक्सिस पे लाई करता है ये पॉइंट, तो एक्सिस की दूरी क्या है, √R2² + x², तो फॉर्मूला लगेगा Q2 √R2² + x². तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल दो वजह से लग रहा है, रिंग नंबर वन और रिंग नंबर टू। उसी तरीके से बी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, एक तो ये रिंग लगाएगी, रिंग अपने सेंटर पे इतना पोटेंशियल लगाती है Q2 √R2, और इसके लिए ये एक्सिस है, तो एक्सिस की दूरी क्या है, √R1² + x², तो Q1 √R1² x², तो ये VA VB आ गया। इस VA VB को यहां पुट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन।